नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पीलीभीत के तराई क्षेत्र में 40 वर्षों से निवास कर रहे सैकड़ों ग्रामीण एवं किसानों को वोट अधिकारों से वंचित है, जिसके चलते राज्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभों से भी वंचित है। गांव लोहारी तहसील कलीन में अभी तक उनके वोट नहीं बने, उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल तक नहीं किया गया, जिसको लेकर किसान और ग्रामीण ने कई अधिकारी को ज्ञापन सौंपा लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की। लगातार आश्वासन मिला तो कहीं अधिकारियों ने यह कहकर टाल दिया कि तुम बांग्लादेशी हो, तो वहीं किसानों और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब हम बांग्लादेशी हैं तो प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रीय पुलिस ने हमें यहां कैसे रोकने दिया, हमें यहां से भगाया क्यों नहीं, और हमारा आधार कार्ड व पैन कार्ड कैसे जारी हो गया, जबकि ग्रामीण व किसान वर्षों से रहने की बात कर रहे हैं। इसमें मूल कारण जो है मुख्य वो है बोर्ड का ना बनना। जो लोग यहाँ पैदा हुए, जिस देश में भी पैदा होते हैं, वो वहाँ के नागरिक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन उन लोगों को भी यहाँ का नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है जिनका जन्म यहाँ हुआ। दूसरे, जो अदर प्रांतों से, अदर स्टेट से जो लोग यहाँ आके बसे इस पीलीभीत में, उनके भी वोट नहीं बनाए जा रहे हैं, और ना ही कारण बताया जा रहा है कि हम ये आपके फार्म क्यों निरस्त कर रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे। अभी आप लोगों के सामने DM साहब से बात हुई, हमारा ये कहना है कि हम आंदोलन तब भी समाप्त कर देंगे जब आप हमारे वोट नहीं बनाएंगे, लेकिन उस पर आप हमें जो कारण बताइए, लिख के दीजिए कि हम इस वजह से आपके ये वोट जो है आप उस कैटागरी में नहीं आते, आपके वोट हम नहीं बनाएंगे। लेकिन ये कहा जाए कि बंगाली समाज के हम वोट नहीं बनाएंगे तो ये क्यों नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहे किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जे जाने के लिए तैयार हैं, जो भी कदम हमें उठाना पड़े हम उठाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने अब क्या आश्वासन दिया? जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि SDM साहब को निर्देशित किया है कि उनके सबके फार्म ले लें, और फार्म लेके जे हमसे उन्होंने वादा किया है सबके सामने, मीडिया के सामने, कि हम आपको पारदर्शी प्रूफ जरूर देंगे, अब या तो बनाएंगे या नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बनाएंगे वो कारण भी हम आपको स्पष्ट करेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, इसका हम स्वागत करते हैं उनकी इस बात का, क्योंकि अगर वो कारण बता दें तो हमारा कोर्ट में जाने का रास्ता खुला होगा, हम कोर्ट से। किसानों ने अपनी मांगों के साथ यहाँ पर आए, तो इस मांगे की जो मतदाता सूची से संबंधित थी, कुछ मांगे उनकी राशन कार्ड से संबंधित थी, हमने उनको आश्वस्त किया है कि इनके सभी का निर्णय दस्तावेज। पीलीभीत से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।